हाँ भाई बोलो, सब खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है, बैठो। अरे मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने तुम्हें फोन करके कहा कि मुझे तुमसे मिलना है, बात करनी है। तुमने कहा मैं तुम्हारे घर चले आऊं, और फिर तुम आए भी नहीं। और अम्मी भी तुम्हें कितना याद कर रही है, आखिर क्यों नहीं आए तुम? तो तुमने मुझे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया? मजाक मत कर यार, मेरी माँ के इलाज के लिए अपनी गाड़ी बेच सकता है, लेकिन उन्हें देखने के लिए नहीं आ सकता। क्यों भाई? तो यार छोड़ना इन सारी बातों को, रहने दो यार नुमान। नहीं मैं नहीं छोड़ सकता यार, मुझे तो लग रहा है मुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए था तुमसे। यार मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, रहने दो इस बात को। तो फिर फूफो तुम्हारे और सोमिया के रिश्ते के लिए इनकार क्यों कर रही है? हाँ क्यों? बस वो नहीं चाहती। वो नहीं चाहती या तुम नहीं चाहते? हाँ मैं नहीं चाहता था। क्या मतलब मैं नहीं चाहता था यार? तुम इनकार नहीं कर सकते इस रिश्ते से, हम सबकी ख्वाहिश थी, तुम्हारी ख्वाहिश थी। यार नुमान मेरी बात सुनो, ख्वाहिशें वहां पर पूरी नहीं हो सकती जहां पर किसी की मोहब्बत को कदमों तले रोन दिया जाए। क्या मतलब है इस बात का? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? सोमिया की। उसने खुद इनकार किया इस शादी से। झूठ बोल रहे हो तुम? क्या मतलब है इस बात का? झूठ नहीं बोल रहे। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था नुमान, लेकिन फिर मैंने यकीन कर लिया जब मैंने उसकी आंखों में अपनी जगह किसी और को देखा। हातिम, मेरी बहन के बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं करना, समझ आई है तुम? कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। काश। देख हातिम, किसी के बहकावे में आ गया थी, सही है? मुझे ताज्जुब है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे किसी ने नहीं बहकाया, और अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना, तो खुद जाके सोमिया से पूछ लो। अभी राहिला, जरा नुमान को फोन तो करो, पूछो कहाँ है। जी मैं करती हूँ। नुमान बेटा कहाँ गए थे? कुछ जरूरी काम से गया था। बताकर जाया करो। मम्मी कितनी परेशान हो रही थी आपके लिए। सोमिया कहाँ है? बाय। क्या हुआ? लगता है हातिम ने सच बता दिया। सोमिया। जी भाई। क्या कहा है तुमने हातिम से? हाँ मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे। हातिम झूठ नहीं बोलता भाई। अच्छा, जिसके इतने सच्चे होने का यकीन है उसका दिल क्यों दुखा रही हो तुम? नुमान क्यों डांट रहे हो? अम्मी आप प्लीज अंदर जाएं अभी। नुमान कैसी बातें कर रहे हैं आप? नुमान की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, और आप अदालत लगा के बैठ गए। तुम सब जानती थी ना मुझसे क्यों छुपाया तुमने? मेरी आदत नहीं है चुगलियां लगाने की। अल्लाह के वास्ते कोई मुझे बता दे क्या हो रहा है। अम्मी आपको यही गिला था ना कि पप्पू क्यों खिलाफ है हातिम और इसकी शादी के लिए, क्या लगता था आपको? यही बात हम आराम से बैठकर भी कर सकते हैं नुमान। अम्मी मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और आप कह रही हैं कि आराम से बैठ के बात करें। इस वक्त मुझे तुम्हारी बातों से खौफ आ रहा है। हातिम को शादी के लिए इसने खुद इनकार किया था, पूछे इससे। सोमिया भाई क्या कह रहे हैं? नुमान मैं बताती हूँ, ये फेबीदा ने गलत बयानी की है ना, वो शुरू से चाहती नहीं थी कि ये इसकी बहू बने। अम्मी हुप्पो ने नहीं, हातिम ने मुझे खुद बताया है। सोमिया बताओ, हातिम को तुमने इनकार किया है? नुमान अगर सोमिया ने इनकार कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? और वैसे भी जहां कदर नहीं होती वहां रिश्ते नहीं जुड़ते। सोमिया मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ क्यों इनकार किया तुमने? भाई मैं नहीं शादी करना चाहती। तुम जानती हो ना बाबा की ख्वाहिश थी, हम सबकी खुशी नहीं रजामंदी भी शामिल थी इस रिश्ते में। बेटा तुम फूफो की वजह से इनकार कर रही हो ना, वजह कोई भी हो अब क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। मैंने देखा है हातिम को,
कितना हर्ट हुआ है वो तुम्हारे इस इनकार से। किसके दबाव में आकर तुम इनकार कर रही हो? छोड़े ना मानी, क्या फर्क पड़ता है? अगर ये नहीं चाहती तो खत्म करे इस बात को नुमान। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता इस बात को, मुझे जानना है। सोमिया, तुम हातिम से शादी नहीं करना चाहती? यही बात तुम मेरी कसम खाकर बोलो। देखो सोमिया, अगर तुम पे किसी किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है पप्पू की तरफ से, तुम परेशान नहीं हो, हम सब तुम दोनों के साथ हैं। बल्कि हातिम की खुशी की खातिर पप्पू को अपनी राय बदलनी पड़ेगी। पप्पू कभी भी हाँ नहीं करेंगी भाई, वो मुझसे नफरत करती हैं।